एवरीबडी, आज है 16th of November 2021। हम आए हैं श्रेया के बेबी शावर के लिए और पूरी फैमिली, बहुत क्लोज फैमिली का फंक्शन है ये। और हमारे साथ आए हैं गुड्डू चाचा जो आए हैं बॉम्बे से, तो अभी आपको उनसे ही मिलवाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटअप कैसा है। ये देखो, चाचा आए हैं हमारे साथ। चाचा थैंक यू सो मच कि आप आए, इतना प्रेशियस टाइम निकाल के आप आए। क्या कहना है आपको आज बेबी शार के लिए? आज रोहन और श्रेया को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उसने हम लोगों को इनवाइट किया था, तो हम कल रात को पहुंचे हैं शाम को तेजस एक्सप्रेस से और जो है रात में स्टे किया, मॉर्निंग में अभी यहाँ आए हैं। आपको सेटअप कैसा लग रहा है चाचा? तो वो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा डेकोरेटेड बैलून्स और जो है डेकोरेशन है, बहुत अच्छा हॉल है, कॉम्पैक्ट अच्छा हॉल है, सुंदर है और राउंड टेबल्स भी है कि हम लोग डिस्कस। आप बेबी के लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए हमको, उसके लिए बहुत बहुत हमारे, आप छोटे दादा छोटे दादू हो आप। हाँ, हम वेलकम करेंगे उसको, पहले आने दीजिए। और हम, आपको क्या लग रहा है, बॉय है या गर्ल है? आपको क्या, बॉय होना चाहिए, बॉय होना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों बॉय होना चाहिए? ऐसा लगा है कि बॉय है, रोहन को बेटा होगा। अच्छा, और मेरे साथ है हमारी सिस्टर, आप सबने इनको जाना ही होगा, ये है कृतिका। इलू, हेलो इलू, कैसा लग रहा है तेको आज? बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, तो सबसे पहले आते ही हमने फोटोशूट शुरू कर दी है। और इसका आउटफिट दिखाते हैं आपको, तो मैंने बहुत सुंदर सा डेलिकेट इंट्रिकेट वर्क का पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का सूट पहना है। और मैं आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने एडवांस में सारी बुकिंग्स करवा के रखी है और सेटअप बहुत अच्छा है। मुझे, मैं तो चाहती हूँ कि जो बेबी रहे एकदम हेल्दी बेबी हो। मुझे नहीं पता बेबी बॉय होगा गर्ल होगा, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ऐसे ही निकल रहा है कि बेबी बॉय बेबी बॉय। अगर बेबी गर्ल हुई तो भी बुआ लव्स यू, और बेबी बॉय हुआ तो भी बुआ लव्स यू। और आपको एक बात बता दूं कि इस व्यक्ति ने कल वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया है, तो आज ये काफ़ी लो है, बट फिर भी ये आई है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं बुआ हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे पूरी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। अच्छा, हेलो एवरीबॉडी, तो आज आप मेरे यहाँ पे माइक देख के शॉक हो गए होंगे कि आज ये फंक्शन में ही मैं माइक लेके खड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग खाली वेलकम करने के लिए लोगों के लिए माइक वगैरह रखा है एक घंटे के लिए, ज़्यादा हम लोग कुछ कराने वाले नहीं है। बट अगर इलू का मूड हुआ, चाचा का मूड हुआ, सबका मूड हुआ, तो हम कुछ अगर कराना चाहें तो हम करा सकते हैं। वैसे इलू ने एक बहुत अच्छी गेम भी सोची है, और उस गेम में ऐसा है कि जितने लोग भी आए हैं सबको एक एक बार प्रेग्नेंट हो जाना है, तो ऐसा कुछ हमने सोचा है, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों, खाने का सेटअप जब है ना, जैसे फंक्शन खत्म होगा ना, होने वाला होगा, उसके बाद कि फूड लेके जाइए, रेडी है। और चाचा ने बहुत ही गजब इनपुट दिया है कि जैसे ही खत्म हो जाएगा फंक्शन, तब हमें बताना है कि फूड रेडी है और फूड लेके जाना है बैग में। बैग में नहीं, खा के जाना है, सॉरी, बैग में लेके नहीं जाना है, बैग में अलाउड नहीं। तो वैसे फंक्शन अभी बज रहे हैं सुबह के 12:15, और सब लोग को टाइम दिया था 12:15 का, तो अभी सब आने लग जाएंगे। हम तीनों पहले आ गए ताकि हम लोग देख पाएं कि वेन्यू में सब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एंड इट इज़ सो फार इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है। ये हम इसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जब आहान आएगा तब हम उसे रिद्धिमा। तो हमने सोचा है अभी टेंटेटिवली कि अगर लड़का होगा तो हम नाम आहान रख देंगे। चाचा नाम कैसा लग रहा है आपको? आहान, अच्छा है ऐसे ना। हाँ, लेकिन उसका जल्दी नंबर आ जाएगा हर एग्जाम में, हर एग्जाम में ये थोड़ी प्रॉब्लम है। वो मैंने भी सोचा था पहले, तो फिर क्या पूरे वो हमेशा चिल्लाएगा। उसका मतलब होता है मॉर्निंग जो रेज होती है, सनरेज पहली रे, तो हर जगह वो पहला रहेगा। हाँ, और फिर बुआ पढ़ा भी देगी उसको, तो फिर वो रोल नंबर में भी टेंशन नहीं होगा फिर। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं मेन्यू क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्दी लोग खाने चीजें पसंद करते हैं वो है बीट रूट, दिस इज टमेटोज, कैरेट्स, क्यूकुम्बर। यहाँ पर है वो अभी लगाया नहीं है, खस्ता कचौरी। ये मैं आपको हम मेन्यू दिखा रहे हैं, पनीर टिक्का मसाला, ये रोहन की पसंद है, रोटी नान पराठा, पीस पुलाव, गुलाब जामुन, यहाँ आएगा दाल तड़का और आएगा मूंग दाल हलवा। ये है वेलकम ड्रिंक, और तेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूँ कि टाइम कितना फास्ट निकला, और अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है बेबी को आने में, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा।
ओनली 2 weeks लेफ्ट, 2 हफ्ते तो ऐसे ऐसे जाने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड. मैं हूँ भी नहीं यहाँ पे. अरे यार ये अपने इवेंट के लिए कहीं बाहर जा रहा है. पहले ऐसा था कि हमको डॉक्टर, हमको लग रहा था कि 21 से 30 के बीच में हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला 29th को हम एक टेस्ट करेंगे, उसके बाद वी विल सी के कब करना है. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा, तो तब तो मैं 90% हूँ. वैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब रोहन आया था उस टाइम पे पापा बाहर ट्रैवल कर रहे थे और पापा ने रोहन को कुछ 20 days के बाद देखा था, वेरेस जब मैं हुई थी तब पापा 2-3 दिन में ही आ गए थे. तो ये उसी टाइप की चीज़ें हो रही है कि हिस्ट्री रिपीट. लेट्स सी क्या होता है. और ये चाय भी आ गई हमारी. हाय, क्या कहना है तुझे तेरे बेबी शावर के लिए? वेलकम टू माय बेबी शावर. कैसा लग रहा तुझे ये डेकोरेशन? मुझे बहुत अच्छा, आई एम वेरी 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 हैप्पी. आर यू हैप्पी विद द डेकोरेशन विद एवरीथिंग? लेट अस शो योर आउटफिट. प्लीज शो माय फुल आउटफिट. प्लीज शो माय हेयर स्टाइल आल्सो. आर यू हेयर स्टाइल शेयर. क्या लग रहा है तुझे? कैसी एक्साइटमेंट है तेरी आज? बहुत बहुत खुशी है मुझे. फाइनली मेरा बेबी शावर हो रहा है. स्टेज लिया? स्टेज कितना सुंदर लग रहा है. वेरी हैप्पी. तुझे क्या लग रहा है कि आज आज तो मतलब देखो क्या होने वाला है? आहान आने वाला है, तेरी दीवाना आ रही है. नो आईडिया, बट जो भी है आई एम वेरी वेरी हैप्पी. यू आर हैप्पी? आर यू सैटिस्फाइड? यस. विद योर प्रेगनेंसी? यस. 15 डेज एंड यू विल हैव दिस वन इन योर हैंड. सो विल यू. ओ हाँ, मेरा भी तो है. पापा वेलकम. आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? बेबी बॉय होगा 100%. अरे बाप रे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे हिसाब से. चाची आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, बॉय या गर्ल, क्या लग रहा है आपको? अभी मैं मिली नहीं उसको, मिलकर फिर बताऊं. दादी आपको क्या लग रहा है? बॉय होगा. बॉय होगा आपको भी लग रहा है? मम्मी मुझे तो लगता है बेटी होनी चाहिए. बेटी होनी चाहिए. अभी आपका वोट जा रहा है बेटी को, आपको लग रहा है बेटी होगी. आपको क्या लग रहा है? जो भी हो अच्छे से, वो स्वस्थ, दोनों जन स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे से रहे. चाचा ने तो अपना ओपिनियन दिया है. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बेबी होए, जो भी बॉय या बेबी, वो स्वस्थ सुंदर अच्छे खुश हो. आपको क्या लग रहा है? बस मेरा भी यही कहना है, जो भी हो अच्छा हो, स्वस्थ हो, बेबी हो या बॉय हो, गर्ल हो या बॉय हो. मामा को लगता है बॉय होगा, बट चाहिए उनको गर्ल. ये सही बोला है. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी, चाची और श्रेया अपने फोटो सेशन कर रहे हैं. ईलू फोटोज ले लिए. चाचा है इधर, पापा भी है इधर. श्रेया फाइनली तू उस गद्दे पे बैठने वाली है जहाँ पे तू बैठने के लिए काफी सालों से उत्सुक थी. बैठ जाइए इधर, बैठ. देखो बैठते हुए मैं तेरा वीडियो लेना चाह रहा हूँ. फुग्गा देख लेना, फूट ना जाए. एक फुग्गा पेट में और एक इधर है. कुछ भी ये वीडियो डालेगा यार. नहीं ये तो मैं म्यूट कर दूंगा. वेरी गुड. संभाल के. वाह वाह, सब जगह मुंडी घुमा दे. How are you feeling? Thank you.
तुझे क्या नहीं कान में? मैं कान में बोलूंगा ना उसके, नीचे से उठा ना मम्मी। अभी बेबी शार कंप्लीट हो चुका है, श्रेया व्हाट इज योर फीलिंग? फीलिंग इज वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव एंड आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव सच अ गुड फैमिली एंड आर यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। आर यू हैप्पी विद द फंक्शन? यस। अरेंजमेंट्स? यस। फूड? यस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। चलो। एंड आई हैड ऑल माय नियर एंड डियर वंस विद मी, देयर ब्लेसिंग्स, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। So do you want to give any message to Ahan? Ahan, you are most welcome. Mama, Papa loves you. And because of Ahan, everybody is here together. Yes. Ahan Joshi, we are waiting and for you. And if at all it is not Ahan, Ridhima it's or okay. Ira, you are also most welcome. हाँ यार ऐसे तो बोला ही नहीं, ऐसा कोई intention नहीं है भाई। हमको ऐसा लग रहा है कि boy है, आगे हमको पता नहीं है। Let's see. चलो बाय।